चार पाँच छः। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक हैं? तो भाई आपका एक नई वीडियो के साथ फिर से हाजिर है। थंबनेल देख के आपको पता चल ही गया होगा कि ये वीडियो किस हवाले से होने वाली है। फाइनली एक यूट्यूबर को बड़ी शिद्दत से जिस चीज़ का इंतज़ार होता है वो उसकी फ़र्स्ट पेमेंट होती है। तो खैर अल्हम्दुलिल्लाह मेरी फ़र्स्ट पेमेंट बैंक में आ चुकी है और मैं अभी उसको वहीं पे लेने जा रहा हूँ। तो खैर मैं अपने गांव के साथ एक नहर गुजरती है उसके पुल पर खड़ा इंट्रो कर रहा हूँ। ये नहर है सारी और वेदर काफ़ी पहले से चेंज हो चुका है। दिन के टाइम तो होती है थोड़ी सी गर्मी लेकिन रात ठंडी हो जाती, इतनी गर्मी नहीं होती। अच्छा मैं सोच रहा था कि मैं एक समुद्री की सीरीज स्टार्ट करूं, जो कि पहले कभी किसी ने समुद्री को एक्सप्लोर नहीं किया। तो मैं एक फूड सीरीज बनाने जा रहा हूं। नेक्स्ट व्लॉग फूड रिव्यूज के भी होंगे, टूर व्लॉग भी होंगे और एडवेंचर व्लॉग भी होंगे। सबसे पहले तो अल्लाह ताला का शुक्र है कि मेरी पेमेंट आ चुकी है और उसके बाद शुक्रिया आप सब लोगों का कि आप मेरी वीडियोस देखते हैं और इस कदर आप मोहब्बत देते हैं अपने भाई को। मैं वही लेने जा रहा हूँ पेमेंट, तो वो कितनी आई है वो सारी बातें वो मैं ले आऊं तो फिर होंगी। वीडियो आज की शुरू करते हैं। वेलकम टू अनदर व्लॉग। ओके जी, बैंक में पहुंच चुका हूं। अभी मैं एटीएम में खड़ा हूं, अपने पैसे निकलवा रहा हूं। तो निकलवा के घर चलते हैं और जाके देखते हैं कि कितने पैसे हैं, ये पैसे बाहर आने लगे। अच्छा भाई, पैसे निकलवाने के बाद ये हम नान हलीम वाली शॉप पे आ गए हैं। वैसे भी एक दो बज चुके हैं और भूख काफ़ी लग गई है, तो सोचा कि चले कुछ खा लेते हैं। मैं जब कॉलेज आया करता था तो यहाँ का दलीम मुझे पूरे शहर के दलीम से ज़्यादा मज़ेदार लगता था। जहाँ जहाँ भी हैं दलीम वो उन सब से ये मज़ेदार था। ओके जी, फाइनली हम पेमेंट अपनी लेके घर पहुंच चुके हैं। पहले हम बैंक गए थे, वहां से पैसे निकलवाए और पैसे निकलवाने के बाद हमने कुछ खाना पीना भी था तो वहां से नान हलीम जाके खाया और नान हलीम खा के हम अभी घर पहुंच चुके हैं। तो खैर ये मेरे हाथ में पेमेंट है और ये कितनी पेमेंट है ये मैं एग्जैक्ट तो नहीं गिनूंगा क्योंकि यूट्यूब की पॉलिसीज में ये अलाउ नहीं है कि आपकी कितनी इनकम है ये शो नहीं आप कर सकते। मैं नोट गिनूंगा कि कितने नोट है, बाकी आप हिसाब खुद लगा लीजिएगा कि कितनी पेमेंट बनती है। तो मैं सिर्फ नोट गिनने लगा हूं। ये एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, आठ, नहीं ये एक, ये हजार का नोट है, ये एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात और ये आगे 500 के शुरू हो गए, ये एक, ये दो और ये ऊपर 50 और ये जो ये सबसे हैवी अमाउंट है। खैर यही थी हमारी पेमेंट। कुछ पेमेंट उन्होंने होल्ड पे रखी हुई है, वो हमें जितने हमारे डॉलर्स बने थे उतने उन्होंने नहीं भेजे और वो कह रहे थे कि वो अगली पेमेंट के साथ मिल जाएंगे। तो ओवरऑल ये पेमेंट थी, बाकी आप हिसाब लगा लेंगे ये कितनी पेमेंट बनती है। अच्छा जी, पेमेंट की वीडियो बनाने का मकसद कोई पेमेंट की शो ऑफ करना नहीं है, एक मोटिवेशन है कि अगर मैं कर सकता हूं तो सारे ही कर सकते हैं। मैंने जब व्लॉगिंग स्टार्ट की थी 2022 में तो मेरे पास Y7 प्राइम 2019 मॉडल था और 1100-1200 सब्सक्राइबर मैंने उसी से अचीव कर लिए थे। तो फिर क्वालिटी कंटेंट चाहिए था तो उसके लिए रिजल्ट भी अच्छा होना चाहिए। तो मैंने भाई को बोला कि मुझे मोबाइल लेके दें, तो वो फिर बाहर से आए, वो बहरीन होते हैं, तो वो फिर वहाँ से मोबाइल लेके आए, तो फिर मैंने उससे वीडियो स्टार्ट की। तो वीडियो बनाते बनाते आज अल्हम्दुलिल्लाह 63K सब्सक्राइबर हो चुके हैं। वीडियो बनाने का मकसद ये है कि आप अगर किसी चीज़ का इरादा करते हैं, मेहनत करते जाएँ, इंशाल्लाह रास्ते खुद बनते जाएंगे। सबसे पहले शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला का बड़ा एहसान है, अल्लाह ने मुझे मेरी सोच से बढ़कर मुझे नवाजा है। और स्पेशल थैंक्स आप लोगों का कि आप मेरी वीडियोस को देखते हैं और पसंद करते हैं, और स्पेशली थैंक्स भाई को, वो बहरीन होते हैं, कि जिन्होंने मुझे मोबाइल दिया उसके बाद मैंने वीडियोस प्रॉपर बनाना शुरू कर दी। तो इंशाल्लाह आगे मैं एक सीरीज स्टार्ट करने जा रहा हूँ समुंदरी में और वो फूड सीरीज़ होगी। अच्छा भाई, मकान बन रहे हैं और मकान फराज लोगों के बन रहे हैं और मकान की जो छतें हैं ना उन पर टैलें पड़ रही हैं और टैलों की वो साइडें थी ना वो रगड़ के ऊपर डालनी थी, और वो रगड़नी क्यों थी वो मैं आपको बताता हूँ वहाँ पे जाके। फिलहाल ऊपर लेंटर डल रहा है, मैं आपको ऊपर जाके दिखाता हूँ। तो
ये सीढ़ी लगी हुई है, वो अंकल साइड पे होते हैं, तो मैं जाता हूँ ऊपर तो आपको दिखाता हूँ कि लैंटर कहाँ तक पहुँचा। कुछ हिस्से में लैंटर डला है तो बाकी टहलें। लैंटर का काफ़ी हिस्सा हो चुका है, आधे से ज़्यादा हो गया, अब थोड़ा सा आगे रहता है। मटेरियल ख़त्म हो गया है पीछे से, और ये अब नया लाएंगे मटेरियल तो फिर बनाएंगे। ये मिस्त्री साहब हैं जो ये बना रहे हैं सारा, और ये थोड़ा सा रह गया। और ये जो टहलें हैं, ये आधे हिस्से में टैलें पड़ी हैं और ये थोड़े से हिस्से में लेंटर। और ये क्यों डला है ये मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा कि ये इस हिस्से में लेंटर क्यों डला है। और बाकी ये नीचे जो है ना, ये यहाँ से मसाला ऊपर, वो मटेरियल जो है सीमेंट का वो ऊपर आ रहा है, तो ये तकरीबन एंड है। अब नया लाते हैं, नया ला के तो फिर बनाएंगे, फिर ऊपर ये जो हिस्सा पड़ा है ये इसमें डालना है। और इस तरह बाज़ार में ये कटर लगा हुआ है, ये ऊपर इसके ब्लेड है और नीचे इसके मोटर है। और ये टाइलें पड़ी हुई हैं, इसके साथ एक किनारी होती है, वो थोड़ी सी ज़्यादा होती है। जब ये टाइलें दो रखते हैं ना तो उनमें फासला काफ़ी आता है, इस तरह रगड़ने से वो फासला ख़त्म हो जाता है। अभी फ़िलहाल जो मटीरियल कम हुआ है वो लेने जा रहे हैं। एक दिन पहले भी अभी फ़िलहाल पहुंच चुके हैं बजरी लेने, और यहाँ पे इनका एक लड़का होता है, वो अभी यहाँ पे मौजूद नहीं है, जिसने गांव में ले के जानी है। अच्छा भाई, लैंडर के लिए जो सामान बनाया था ना वो कम पड़ गया था, अब उसके लिए ये क्रश लेने गए थे, वो आ चुका है, तो ये डाल के इसमें रेडी में, तो ये ऊपर ले के जा रहे हैं। तो ये दो तरह की आई है, एक मोटी और ये एक साथ में बारीक। अब ये दोबारा सीमेंट बनेगा तो वो लैंडर के ऊपर डलेगा। चलो जी खींच दो, चल अच्छा। काफ़ी दिन से व्लॉग नहीं थे आ रहे, वीडियो में आपने देख ही लिया होगा कि घर में काम चल रहा है, तो मैं वहीं पे बिजी होता था तो व्लॉग बनता नहीं था, वो बड़ा शॉर्ट सा टाइम फिर उनके साथ। इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग आएंगे। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब लाजमी करिएगा। ये व्लॉग भी छोटा है लेकिन इंशाल्लाह आगे मज़ीद आएंगे, तो वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब लाजमी करिएगा। भाई को दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह।